Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Happiness and Creativity. Friends, आज मैं ये वॉल स्टिकर वॉल पर अप्लाई करने वाली हूँ और स्टिकर से तो हम सभी यूज होते हैं और इन्हें लगाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर बात हो वॉल स्टिकर की तो अगर आप इसे अच्छे से लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये काम काफ़ी मैसी हो जाता है और वॉल पेंट भी ख़राब हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको वो तमाम बातें बताने वाली हूँ जिनका ख्याल रख के आप अच्छे से वॉल स्टिकर अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि इस शीट पर काफ़ी सारे स्टिकर्स थे, मुझे सिर्फ विंडो वाला चाहिए तो मैं उसे सेपरेट कर लूँगी। मैं ये स्टिकर अपने एंट्रेंस डोर के साइड वाली वॉल पे लगाने वाली हूँ, तो मैंने वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन स्केल से मार्क कर लिया है ताकि मैं आसानी से स्टिकर यहाँ अप्लाई कर पाऊँ। दूसरी बात जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका स्टिकर थोड़े बिग साइज़ का है तो जब आप स्टिकर को पेपर से सेपरेट करेंगे तो पूरा स्टिकर अलग नहीं करेंगे बल्कि टॉप से थोड़ा सा स्टिकर अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पूरा स्टिकर उतार देंगे तो फिर आपके लिए इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पेपर को स्टिकर से उतारने के बाद उसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से आप प्रेस कर लें। ये प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप स्टिकर को अप्लाई करें तो ये बैक पेपर आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। अब जहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन मार्क की थी वहाँ मैं स्टिकर का टॉप वाला हिस्सा पेस्ट कर दूंगी। मैं एक हार्ड एज ए स्क्रैपर यूज कर रही हूँ फॉर रिमूविंग द एयर बबल्स। स्टिकर पेस्ट करते हुए जो एयर बबल्स बन जाते हैं उनको हाथों से रिमूव करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए स्क्रैपर यूज करना चाहिए। तो मेरे पास स्क्रैपर नहीं है तो मैं एक कार्ड यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी हार्ड है। कार्ड भी अवेलेबल ना हो तो जो फ्रिज के साथ फ्रीज़र की बर्फ़ साफ़ करने के लिए स्क्रैपर आता है वो भी यूज़ किया जा सकता है, वो तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। बट बी केयरफुल कि प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो कि आपका स्टिकर डैमेज हो जाए। ये बबल साथ साथ रिमूव करना बहुत ज़रूरी है वरना बाद में इनको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बस इसी तरह नीचे से थोड़ा थोड़ा कागज़ उतारते रहें और स्टिकर पेस्ट करते जाएं। इट्स ऑलमोस्ट डन। आखिर में एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद भी अगर कहीं एयर बबल रह जाता है तो परेशान मत हो, बस पेपर कटर से हल्का सा कट लगाकर स्क्रैपर से उसे रिमूव कर दें। दैट्स इट। मेरा स्टिकर तो बहुत अच्छे से लग चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इवन काफ़ी फ्रेश फील दे रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।